कहानी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहाँ पे हम एक बुल्फ और एक स्नेक को देखते हैं। बुल्फ की बातों से पता चलता है कि स्नेक का आज हैप्पी बर्थडे है। वो वहाँ से जाने लगते हैं। सभी लोग उनसे बहुत ज्यादा डरा करते हैं। वो एक बैंक में चले जाते हैं, वहाँ लॉकर लेकर अपनी कार में फरार हो जाते हैं। बुल्फ अपने बारे में बताता है, वो कहता है मैं हूँ एक बैड बुल्फ। दूसरी ओर स्नेक उस लॉकर को खोल रहा था। बुल्फ इसके बारे में बताता है कि ऐसा कोई भी लॉकर नहीं जिसे स्नेक ना खोल सके। तभी पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है। आगे हम एक स्पाइडर को देखते हैं जिसका नाम है टरंतुला। ये सब उसको प्यार से बैब्स बुलाते हैं। उसने सॉफ्टवेयर की दुनिया में महारती हासिल की हुई है। बैब ट्रैफिक लाइट को हैक कर लेती है जिसके कारण आ रही पुलिस वाले दूसरी गाड़ियों से टकरा जाते हैं और ये सब वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बैब स्नेक को हैप्पी बर्थडे कहती है और उसको केक देती है। तभी हम आगे एक शार्क को देखते हैं। वो भेस बदलने में काफी ज्यादा माहिर है। उसने आज एक इंजीनियर का भेस बना रखा है। जब इनकी गाड़ी निकल जाती है ये ऊपर से डब्बे गिरा देता है जिसके कारण पुलिस वाले एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आगे हम इसके पांचवें साथी को देखते हैं जिसका नाम है पिराना। वो दिल से शेर है। किसी तरह का मौका क्यों ना हो वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। पिराना स्नेक का हैप्पी बर्थडे भूल चुका था। बैब्स उसे याद दिलाती है। पिराना को एक बीमारी है। जब वो घबराता है तब वो गैस छोड़ता है। बैब्स उसे दोबारा याद दिलाती है। पिराना को फिर भी नहीं याद आता जिसके कारण वो घबरा के गैस छोड़ता है। पूरी गाड़ी में गैस ही गैस हो जाती है। पीछे आ रहे पुलिस वाले भी इस गैस से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। बुल्फ काफी तेजी से गाड़ी चलाता है और पुलिस स्टेशन के बाहर ले जाता है। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम है चीफ। चीफ इन चोरों को पकड़ना चाहती है। ये चोर बुरे बंदे के नाम से पूरे शहर में फेमस हैं। इन्होंने हरेक जगह चोरी की है। ऐसी कोई बैंक नहीं जिसे इन्होंने ना लूटा हुआ हो। इसी कारण सभी लोग इनसे डरते हैं और इनका नाम बुरे बंदे रखा गया है। चीफ इनका पीछा करती है पर बुल्फ काफी तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाता है। चीफ इनको नहीं पकड़ पाती जिसके कारण वो खुद पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। फिर ये सब एक टनल से होते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं जहां पे इन्होंने ढेर सारा पैसा, सोना और कई तरह की महंगी तस्वीरें चुरा रखी हैं। स्नेक का हैप्पी बर्थडे है जिसके लिए वो केक काटने लगते हैं। स्नेक को अपना जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता है। बुल्फ सबकी मिल्की तस्वीरें खींचता है और स्नेक उस तस्वीर को फ्रिज पे लगा देता है। स्नेक फिर फ्रिज में से एक कैंडी निकालता है। शार्क को बहुत ज्यादा भूख लगी थी इसके लिए वो भी उससे कैंडी मांग लेता है पर स्नेक अभी भी बांट के खाने में यकीन नहीं रखता। वो खुद उस कैंडी को खा जाता है। बुल्फ उन सबको चुप रहने को कहता है और टीवी देखने लगता है जिसमें उन्हें पता लगता है कि आज नई गवर्नर आई है जिसका नाम है डैन फॉक्सटन। डैन इनके बारे में बताती है कि ये बचकानी हरकतें करते हैं। ये अंदर से पूरी तरह से खोखले हैं। ये चाहे जितना मर्जी पैसा इकट्ठा क्यों ना कर ले इनका अंदरला खोखलापन कहीं नहीं जा सकता। गवर्नर की ये बात सुनकर बुरे बंदे भड़क जाते हैं। तभी बुल्फ के दिमाग में एक आइडिया आता है। बुल्फ अपने साथियों को गोल्डन डॉल्फिन चुराने की बात बताता है जो कि अगले दिन एक पिगी को सम्मान के रूप में दिया जाएगा। ये साथी इस चोरी के लिए मान जाते हैं। ये सब अपना भेष बदलते हैं और उस शो में पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर का नाम मामलेड है जो कि काफी अच्छे इंसान है। बुल्फ अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए सबसे पहले गवर्नर से मिलता है और उससे बातें करता है और उसकी एक सेल्फी भी ले लेता है। इसी दौरान वो गवर्नर की अंगूठी भी चोरी कर लेता है। श्री और चीफ ने पुलिस वालों से कह रही थी कि आज किसी तरह की यहाँ पे चोरी नहीं होनी चाहिए। बुल्फ किसी तरह उस रूम में जाना चाहता है। उससे पहले वो छोटी मोटी चोरी करता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो उस बूढ़ी औरत के पीछे जाता है। उसके बैग में काफी सारे पैसे थे। वो उस पैसों को चुरा लेना चाहता है। वो उसके बैग में हाथ डालता है कि तभी वो बूढ़ी औरत गिर पड़ती है। बुल्फ उसको बचा लेता है। बदले में वो बूढ़ी औरत इसे गले लगा लेती है जिसके कारण बुल्फ की पूंछ हिलने लगती है। गवर्नर प्रोफेसर की तारीफ करती है। वो बताती है जब हमारे शहर में एक मीटियोराइट गिरा था जिसके कारण काफी तबाही हुई थी। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। इसी दौरान प्रोफेसर ने हमें अच्छाई का रास्ता दिखाया था। प्रोफेसर ने दुखी के समय में भी खुशी का एहसास कराया था। इधर बुल्फ स्नेक और पिराना के साथ मिलकर गोल्डन डॉल्फिन चुराने लगता है। वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। वो गोल्डन डॉल्फिन को चुरा कर वहां से जाने लगते हैं।
गवर्नर और बाकी सभी लोग डॉल्फिन गायब हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी प्रोफेसर आता है और एक स्पीच देता है। वो कहता है, ये सब मैंने गोल्डन डॉल्फिन लिए नहीं किया, मैं लोगों के लिए अच्छाई का काम करता हूँ और मुझे खुशी होती है जिसके लिए मैंने ये सब किया। दूसरी ओर वुल्फ जब जा रहा था, प्रोफेसर की बातें सुनकर उसकी पूंछ हिलने लगती है। सभी लोग इनकी तरफ देखने लगते हैं। पूरी पुलिस फोर्स इनके पीछे पड़ जाती है और इनको पकड़ लिया जाता है। वुल्फ गवर्नर से मौका मांगता है कि उन सबको भी एक बार मौका दिया जाए बदलने का। गवर्नर उसे मौका नहीं देना चाहती, पर प्रोफेसर उन सब की बात मान लेता है। इसके कारण चीफ को उन सभी को छोड़ना पड़ता है। इधर वुल्फ अपने साथियों को बताता है कि हम अच्छे बंदे बनने का नाटक करेंगे, प्रोफेसर को यकीन दिलाएंगे कि हम अच्छे बंदे बन गए हैं, उसके बाद गोल्डन डॉल्फिन चोरी करके वहां से निकल जाएंगे, जिसके कारण उनके साथी काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन वो प्रोफेसर के घर पे थे। प्रोफेसर सबसे पहले शार्क और स्नेक को एक कैंडी देता है और मिल बांट के खाने को कहता है, पर दोनों में आपस में नहीं बनती, जिसके कारण स्नेक वो कैंडी खा जाता है। वो दोनों झगड़ने लगते हैं। अगले दिन प्रोफेसर उसको एक बिल्ली को बचाने को कहते हैं, पर वो बिल्ली को नहीं बचा पाते और उस टेस्ट में भी वो फेल हो जाते हैं। प्रोफेसर उनसे पूछता है कि आप सभी सबसे ज्यादा किस चीज में माहिर हैं। वो सब कहते हैं, हम चोरी करने में बहुत ज्यादा माहिर हैं, जिसके कारण वो एक टेस्ट लेना चाहता है। प्रोफेसर उन सबको एक लैब में भेजता है जहाँ पे काफी ज्यादा पिगीस थे और उन पिगीसों को बचाना था। स्नेक इतने सारे पिगीस को देख के बेकाबू हो जाता है और सभी पिगीस को खा जाता है। गवर्नर इनकी ये हरकत देखकर इन पर गुस्सा होती है और कहती है, जल्द ही चीफ आएगा और तुम सबको पकड़ के ले जाएगा। वुल्फ गवर्नर से बात करता है और उसे एक मौका और देने को कहता है। गवर्नर उनकी बात मान जाती है और उसे जल्द ही सुधर जाने को कहती है। वुल्फ रात में उस कैट के पास जाता है और उसे प्यार जताता है, जिसके कारण कैट उसके साथ आ जाती है और वो बिल्ली को अपने साथ ही अपने रूम में ले आता है। इनकी ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। सभी लोग इनको अच्छे लोग मानने लगते हैं। अगले दिन ये फिर से स्टेज पे जाते हैं जहाँ पे वुल्फ एक प्लान फिर से बनाता है। वो कहता है, हम गोल्डन डॉल्फिन को चेंज कर देंगे और असली गोल्डन डॉल्फिन लेकर अपने साथ गायब हो जाएंगे। इसी दौरान पिराना एक सॉन्ग गाने लगता है, जिस सॉन्ग पर सभी लोग बहुत ज्यादा तालियां बजाते हैं और डांस करने लगते हैं। इस सॉन्ग पे गवर्नर और वुल्फ भी डांस करते हैं। इस शो में काफी सारे लोग पैसे डोनेट करते हैं जो एक चैरिटेबल के लिए थे। ये चैरिटेबल प्रोफेसर मामलेड चलाता है। इन सभी का प्लान तैयार था और ये सब चोरी करके डॉल्फिन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे, पर वुल्फ का मन अब बदल चुका था। वो इस चोरी को नहीं करना चाहता था। तभी वो देखते हैं कि गोल्डन डॉल्फिन वहां से गायब हो चुकी है। वुल्फ उन लोगों से कहता है कि इस बार चोरी हमने नहीं की, हमें नहीं मालूम कि गोल्डन डॉल्फिन कैसे गायब हुई। जाने से पहले वुल्फ गवर्नर को एक स्लिप देता है। वुल्फ को तभी सारी बातें मालूम हो जाती हैं। उसे यकीन आ जाता है कि इस सभी के पीछे प्रोफेसर का हाथ है। तभी वो सारी बातें याद करता है कि जब उसने एक बूढ़ी औरत को बचाया था, वो कोई और नहीं प्रोफेसर ही था। इस सब के पीछे प्रोफेसर का हाथ है। गवर्नर दी गई स्लिप के अनुसार उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पे उनका सारा सामान पड़ा था। वो उस सभी पैसे, सोने और तस्वीरों को देखती है। जेल में वुल्फ और स्नेक की बहस हो जाती है। वुल्फ कहता है, मैं अब एक अच्छा बंदा बनना चाहता हूँ, बुरा बंदा बनके अब मैं थक चुका हूँ। स्नेक कहता है, नहीं, हम बुरे बंदे ही थे, अब बुरे बंदे ही रहेंगे, जिसके कारण उन दोनों में बहस होती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है। वो सभी गार्ड को मार कर बेहोश कर देती है। वो लड़की और कोई नहीं, गवर्नर थी। गवर्नर पहले एक चोर हुआ करती थी। उसका पहले का नाम द क्रिम्सन पाव था। वो काफी सारी चोरियां करती थी। चोरियां उसने काफी ज्यादा की, पर ना वो कभी पहचानी गई, ना ही वो कभी पकड़ी गई। गवर्नर इन सबको अपने साथ बाहर ले आती है। गवर्नर उस प्रोफेसर के बारे में बताती है जो म्यूटोराइड का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी चोरी करने वाला था। वो उस चोरी को रोकना चाहते हैं, पर स्नेक अब इन सब का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। स्नेक के पीछे स्पाइडर, शार्क और पिराना भी चले जाते हैं। वुल्फ इधर अकेला ही रह जाता है। उसे खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। प्रोफेसर मीथोराइड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसके कारण सभी पीकी हाइप्नोटाइज हो जाते हैं और शहर से भागने लगते हैं।
इधर गवर्नर बताती है उसने चोरी कैसे छोड़ी। वो कहती है मैं गोल्डन डॉल्फिन को चुराने गई थी और मैंने उसे चुरा लिया, पर उसे समझ लग चुका था कि फॉक्स एक चालाक लोमड़ी ही रहती है, जिसके कारण उसने चोरी करना छोड़ दिया और अच्छाई का रास्ता अपना लिया। इधर स्नेक और उनके साथी मिलकर घर पे आ जाते हैं। वो देखते हैं घर पे तो एक भी पैसा नहीं है, जिसके कारण वो सभी उदास हो जाते हैं। स्नेक तभी फ्रिज खोलता है, उसमें एक आइस कैंडी पड़ी थी। शार्क को भूख लगी थी, शार्क रोने लगता है। स्नेक बिना कुछ सोचे समझे वो कैंडी शार्क को दे देता है। शार्क इस पे हैरान था कि आज स्नेक ने उसको आइस कैंडी कैसे दे दी। स्पाइडर स्नेक से कहती है कि अब तुम में भी अच्छाई जाग चुकी है, क्योंकि दूसरों से बांट के खाने में ही अच्छाई है। स्नेक अभी भी इस अच्छाई को नहीं मानता था और वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर पिगिस सभी ट्रकों को हथियाने लगते हैं। जिस ट्रकों में 100 करोड़ रुपया था, जो कि चैरिटेबल के नाम पे था, वो चैरिटेबल सभी हॉस्पिटलों को दान करने वाला था। पिगिस इन ट्रकों को चुरा कर भागने लगते हैं। इधर वुल्फ और गवर्नर भी प्रोफेसर के घर पे पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर को अब मालूम हो चुका था कि गवर्नर भी पहले एक चोर हुआ करती थी। वुल्फ पूछता है हमारे आने का तुम्हें कैसे पता चला। तभी वो बताता है कि मेरा एक और साथी है, वो साथी कोई और नहीं स्नेक था। तभी स्पाइडर शार्क और पिराना आते हैं और इन दोनों को बचा लेते हैं। वुल्फ उस मीटोराइट को लेकर अपने साथ फरार हो जाता है। तभी वो देखते हैं कि मीटोराइट अभी भी काम कर रहा था, क्योंकि वो पिगिस अभी भी ट्रकों को लेके जा रहे थे। स्पाइडर कहती है इन ट्रकों को हैक करके अपनी जगह पे पहुंचा सकती हूँ, जिसके लिए एक मेगा नाइट जरूरत होगी। गवर्नर के पास वो मेगा नाइट थे, वो सभी ट्रक पर वो मेगा नाइट चिपका देते हैं। स्पाइडर उन ट्रकों को अपनी जगह पर पहुंचा देती है। वुल्फ को तभी स्नेक की याद आती है, वो उसको बचाने के लिए चढ़ पड़ता है। प्रोफेसर और स्नेक एक हेलीकॉप्टर पे थे। प्रोफेसर वुल्फ को मीटोराइड देने के लिए कहता है, पर वो स्नेक को वापस देने के लिए कहता है, जिस पर प्रोफेसर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और स्नेक को ऊपर से नीचे गिरा देता है। वुल्फ किसी तरह काफी तेजी गाड़ी चलाता है और स्नेक को बचाने की कोशिश करता है। स्नेक वुल्फ से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि तुम मुझे बचाने आ गए, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। वुल्फ कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए कभी नहीं छोड़ सकता। वुल्फ किसी तरह उन सभी को बचा लेता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं वो पिगिस फिर से ठीक हो चुके हैं और अपने घर को वापस जाने लगते हैं। तभी चीफ वहाँ पे आ जाती है और इन सभी को पकड़ लेती है। वुल्फ कहता है ये चोरी हमने नहीं की, पर इससे पहले हमने काफी सारी चोरियां की हैं, लेकिन अब हम बदलना चाहते हैं, इसलिए आप हमें गिरफ्तार कर ले। चीफ इससे काफी ज्यादा हैरान थी कि उन्होंने आज सिलेंडर कर दिया है। तभी प्रोफेसर वो मीटोराइट लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वो फिर से अपनी दलीलें देने लगता है, जिसके कारण वो ताली बजाता है। ताली से वो लाइट जगने और बुझने लगती है। चीफ को पता चल जाता है कि ये मीटोराइट नहीं, ये तो एक लैंप है। इस पर स्नेक काफी ज्यादा मुस्कुराता है और अपनी बात बताता है उसने किस तरह मीटोराइट को चेंज कर दिया और वहाँ लैंप रख दिया। मीटोराइट को ज्यादा पावर देने के कारण वो ब्लास्ट हो जाता है। प्रोफेसर के ऊपर लैंप गिर पड़ता है, जिसके कारण उसके मुंह से वो हीरा निकल के बाहर गिर पड़ता है। चीफ उसे चोर समझ लेती है और उसे उठा के जेल में डाल देती है। इधर बुरे बंदे अब अच्छे बंदे बन चुके थे, वो काफी ज्यादा खुश थे। इसी दौरान ये कहानी यहाँ पे ही समाप्त हो जाती है। मजा आया।